where r angle r is 90 degree then the value of a will be what either 6 minus 2 or minus 4 or minus 6 we have to decide okay matlab have a right angle triangle okay let's say this is the right angle triangle okay we have and question is saying that आर जो है वो 90 डिग्री है मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो आर है और ये पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो पी एंड दिस इज क्यू आप क्यू और पी ऐसे भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ओके ट्वेल्व एट एंड क्यू इज व्हाट माइनस टू को ए माइनस टू का अब हमें बताना है ए का वैल्यू क्या होगा कैसे बताएंगे हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है राइट इसका मतलब पी क्यू स्लोप ऑफ पी क्यू और यू कैन से पी आर एंड परपेंडिकुलर टू इच अदर राइट पी आर एंड क्यू आर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहा है यानी दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है और हमें पता है एक कॉन्सेप्ट यदि आपको नहीं पता तो जान लीजिए कि लेट सपोज यू हैव टू लाइंस लाइक दिस ओके ओके एंड यू नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज एम वन एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन इज एम टू विच इज़ परपेंडिकुलर टू इच अदर देन एम वन इंटू एम टू विल बी माइनस वन एम वन इंटू एम टू जो होता है वो माइनस वन के इक्वल होता है यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हो टू इच अदर एंड एम वन एंड एम वन एंड एम टू इज वॉट स्लोप ऑफ द लाइन्स ओके और स्लोप कैसे निकालते हैं यदि हमें एक लाइन दिया हुआ हो लेट सपोज एक लाइन है ओके लाइक दिस एंड आपको पता हो टू पॉइंट्स ऑन दिस लाइन ए एंड बी यदि आपको टू पॉइंट्स किसी भी लाइन का टू पॉइंट्स पता हो लेट्स एक्स वन And this is y one and this is x2, this is y two. Then slope of this ab will be slope of this line is line ka jo slope wo hoga y two minus y one upon y two minus y one upon x two minus x one. This is the concept. Okay. We will use these two concept here. So slope of this PR will be what?

Slope of what? P R. Similarly, slope of QR will be what? Slope of QR will be y two minus y one means A minus zero upon minus two minus six, which is A minus zero will be A minus two minus six will be minus eight. A okay? slope of this QR. अब हमें पता है कि पी आर और क्यू आर जो है वो परपेंडिकुलर टू इस अदर है इसका मतलब आप लिख सकते हैं सिंस सिंस क्यू आर एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इच अदर दिस इंप्लाइज दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ पी आर इंटू स्लोप ऑफ क्यू आर विल बी इक्वल टू वॉट माइनस वन ओके तो स्लोप ऑफ पी आर क्या होगा हमें पता है स्लोप ऑफ पी आर एट बाई सिक्स हम वेलू पुट कर देंगे यहाँ पे एट बाई सिक्स इंटू स्लोप ऑफ क्यू आर क्या है हमें यह भी पता है ए अपॉन माइनस एट ए अपॉन माइनस एट Will be equal to what? Minus one. इसका मतलब ये क्या हो जाएगा एट इन टू एल एट ए अपॉन एट इंटूल फोर्टी एट इज इक्वल टू माइनस वन ओके ओके ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ये माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एट ए इज इक्वल टू ये फोर्टी एट इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवीजन में, तो में, तो मतलब में, में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा फोर्टी एट इंटू वन पहले से है तो वन एज इट इज इसका मतलब ए इज इक्वल टू वॉट ए इज इक्वल टू दिस विल बी फोर्टी एट ओनली अपॉन ये एट डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आ के डिवीज़न में आ जाएगा इसका मतलब ए इज इक्वल टू वाट ये आप कैंसिल आउट जब करोगे तो ये सिक्स टाइम में चला जाएगा लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट का भर हो सकता है आज डाउनलोड कर डाउट नॉट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर